की नीति अध्याय 9 तात, यदि तुम जन मन के चक्र से मुक्त होना चाहते हो तो जिन विषयों के पीछे तुम इंद्रियों के संतुष्टि के लिए भागते फिरते हो उन्हें ऐसे त्याग दो जैसे तुम विष को त्याग देते हो। उन सब को छोड़कर हे तात, तितिक्षा, ईमानदारी का आचरण, दया, शुचिता और सत्य इसका अमृत पियो। वो कमीने लोग जो दूसरों की गुप्त खामियों को उजागर करते फिरते हैं उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह कोई सांप चींटियों के टीले में जाकर मर जाता है। शायद किसी ने ब्रह्मा जी जो इस सृष्टि के निर्माता है को यह सलाह नहीं दी कि वो स्वर्ण को सुगंध प्रदान करे, गन्ने के झाड़ में फल प्रदान करे, चंदन के वृक्ष को फूल प्रदान करे, विद्वान को धन प्रदान करे, राजा को लंबी उम्र प्रदान करे। अमृत सबसे बढ़िया औषधि है, इंद्रिय सुख से अच्छा भोजन सर्वश्रेष्ठ सुख है, नेत्र सभी इंद्रियों में श्रेष्ठ है, मस्तक शरीर के सभी भागों में श्रेष्ठ है। कोई संदेश वाहक आकाश में जा नहीं सकता, आकाश से कोई खबर आ नहीं सकती, वहाँ रहने वाले लोगों की आवाज़ सुनाई नहीं देती और उनके साथ कोई संपर्क नहीं हो सकता। इसलिए वो ब्राह्मण जो सूर्य और चंद्र की भविष्यवाणी करता है उसे विद्वान मानना चाहिए। इन सातों को जगा दे यदि ये सो जाए। नंबर 1 विद्यार्थी, नंबर 2 सेवक, नंबर 3 पथिक, नंबर 4 भूखा आदमी, नंबर 5 डरा हुआ आदमी, नंबर 6 खजाने का रक्षक और नंबर 7 खजांची। इन सातों को नींद से नहीं जगाना चाहिए। नंबर 1 सांप, नंबर 2 राजा, नंबर 3 बाघ, नंबर 4 डंक मारने वाला कीड़ा, नंबर 5 छोटा बच्चा, नंबर 6 दूसरों का कुत्ता और नंबर 7 मूर्ख। जिन्होंने वेदों का अध्ययन पैसा कमाने के लिए किया और जो नीच काम करने वाले लोगों का दिया हुआ अन्न खाते हैं उनके पास कौन सी शक्ति हो सकती है? वो ऐसे भुजंगों के समान है जो दंश नहीं कर सकते, जिसके डांटने से सामने वाले के मन में डर पैदा नहीं होता और प्रसन्न होने के बाद वो सामने वाले को कुछ नहीं देता। वो ना किसी की रक्षा कर सकता है और ना किसी को नियंत्रित कर सकता है। ऐसा आदमी भला क्या कर सकता है? यदि नाग अपना फन खड़ा करे तो भले ही वो जहरीला ना हो तो भी उसका ये करना सामने वाले के मन में डर पैदा करने को पर्याप्त है। यहाँ ये बात कोई मायने नहीं रखती कि वो जहरीला है कि नहीं। सुबह उठकर दिन भर जो दांव आप लगाने वाले हैं उसके बारे में सोचें। दोपहर को अपनी माँ को याद करें, रात को चोरों को ना भूलें। आपको इंद्र के समान वैभव प्राप्त होगा यदि आप अपने भगवान के गले की माला अपने हाथों से बनाएं, अपने भगवान के लिए चंदन अपने हाथों से खींचे, अपने हाथों से पवित्र ग्रंथों को लिखें, गरीबी पर धैर्य से मात करें, पुराने वस्त्रों को स्वच्छ करें, बासी अन्न को गर्म करें, अपनी क्रूरता पर अपने अच्छे व्यवहार से मात करें।